सो फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने करीबन 22,055 पर क्लोजिंग दी है, करीबन 32 अंक से ज़्यादा दोस्तों आज निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 0.15% का हमको आज अपमूव देखने को मिला। आज का सेशन कुछ इस प्रकार का था, जहां पर दोस्तों निफ्टी तय कर रहा था कि उसको जाना कहां पर है, और अगर आप आखिरी के आधे घंटे में भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा मूव आ सकता है जहां पर निफ्टी एक जोन को ब्रेक कर सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। बट ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि आज देखिए 22,000 के ऊपर फिर निफ्टी ने अपना बंद दिया है। आज का देखिए 21,990 का आज का ओपन था, एंड फिर 22,123 तक आपको निफ्टी जाता हुआ देखने को मिला, एंड ऑलमोस्ट फिर 21,916 का आज का लो भी था। बट मोर ओवर हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी तेज़ी में बंद हुआ है, तेज़ी यहाँ पर साफ साफ आज हमको देखने को मिली है। ज़रूर निफ्टी के सामने जो बैंक निफ्टी है उसमें कुछ खास ऐसा आपको मूव देखने को नहीं मिला। करीबन 18 अंक आज बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है 46,575 पर। ओवरऑल अगर आज आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो सेम है, जो पैटर्न है जैसा निफ्टी का वैसा ही था। पहले शुरुआत में देखिए नीचे खुला, फिर गिरावट हुई, बट उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी हमको रिकवरी देखने को मिल गई, और करीबन 46,739 का आज का हाई था और 46,022 का आज का लो था। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हमको हाईस के नज़दीक ही क्लोजिंग देखने को मिली। ज़रूर देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं सुर्खियों में था वो मिड कैप और स्मॉल कैप था। तो मिड कैप ने भी आज कह सकते हैं हरे निशान में क्लोजिंग दी है, करीबन 0.036%। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी, बट 13 अंक ऊपर जाकर देखिए आज मिड कैप इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, और 38,431 का आज का हाई था। तो 38,264 पर अगर मिड कैप इंडेक्स बंद दे रहा है तो उसका मतलब ये बात सही है कि मिड कैप इंडेक्स में आज हमको क्लोजिंग दिन के हाई के करीब देखने को मिली है। एंड यहाँ पर भी सेम चार्ट है, जैसे देखिए बाजार रिकवर किया, यहाँ पर भी आपको रिकवरी देखने को मिल गई, ये साफ बात नज़र आती है, राइट। बट अगर बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स आज जरूर लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत भारी लाल निशान था, फिर गाढ़ा लाल निशान था, थोड़ा सा लाल निशान था। करीबन 30 अंक की गिरावट के साथ स्मॉल कैप में हमको क्लोजिंग देखने को मिली है 41,982 पे। बट ओवरऑल ये आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में आपको रिकवरी देखने को मिली, और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। तो आज ओवरऑल ये कह सकते हैं कि देखिए बाजार एक जोन में ट्रेड किया, राइट। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी जोन थी जहां पर ट्रेड हुआ, बट एक छोटी जोन में ट्रेड हुआ। एंड मोर ओवर आज मार्केट का जो व्यू था वो कोई बियरिश मोड नहीं था, मार्केट आज ठीक ठाक ही था, स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफी हमको देखने को मिला। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार वेट किसका कर रहा है, देखिए बाजार को इंतजार किसका है, मार्केट को देखिए वेट कर रहा है फेड के गाइडेंस का। आपको पता ही है इस हफ्ते फेड की तरफ से बताया जाएगा कि वो रेट हाइक करने वाले हैं, जो करेंगे नहीं ऑब्वियस सी बात है, रेट कट करने वाले हैं जिसके चांसेस भी बहुत कम है, बट क्या रेट मेंटेन करेंगे ये हमको देखने को मिलेगा। मोरओवर देखिए रेट मेंटेन करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, ये बिल्कुल सबको पता है, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो यही है कि फेड की आगे की गाइडेंस क्या रहती है, राइट। फेड आगे क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि कब उनका मानना है कि रेट कट को लेकर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चालू होगी। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है जिसका मार्केट अभी वेट कर रहा है, वो है रेट कट। कि रेट कट देखिए जिस दिन हो जाएगी उस दिन से बाजार और भी ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा तेज़ी के साथ। बट अभी वेट किसका हो रहा है वो यही है कि किस तरीके से हमको रेट कट के बारे में न्यूज़ देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे को जो पॉलिसी है उसका हमको आउटकम देखने को मिलेगा, पॉलिसी का जो सब कुछ एक्सपेक्टेशन है वो वेडनेसडे को पता चलेगा कि आखिर फेड के मन में क्या है वो हमको पता चलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फेड यहाँ पर चांसेस पूरे हैं कि अभी भी जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज ही रखेंगे, ये पूरी एक्सपेक्टेशन मानी जा रही है। तो स्पेसिफिकली देखिए मार्केट को वेट तो इसी का है, बट ऐसा नहीं कि देखिए हमारे खुद के कोई ऐसे इवेंट्स नहीं है जिसको हम वेट कर रहे थे, बट नो डाउट देखिए हमारे यहाँ पर भी फुल ऑन आपको न्यूज़ देखने को मिलती है जिसके कारण बाजार ऊपर नीचे होता है। जो आज फिर से देखिए कोर्ट हियरिंग थी किसको लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, और आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हम कह सकते हैं SBI को फटकार लगाई, और साफ साफ कहा कि आपको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और कंप्लीट डिस्क्लोजर दीजिए। देखिए पहले आपको पता है जो SBI ने देखिए जो डेटा था वो जो ECI को सबमिट करवाया उसके अंदर जो मिसिंग था वो क्या था कि जो स्पेसिफिक नंबर है, राइट, जो यहाँ पर अल्फा न्यूमरिक कोड है जो भी है वो डेटा SBI के द्वारा नहीं दिया गया। और आज दोस्तों को लेकर SBI ने साफ साफ कहा कि हमको लगा कि वो डेटा नहीं देना था, बट साफ साफ उन्होंने कहा कि ऑल द डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट यानी CGI ने साफ साफ कहा कि आपको सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, एक और बात कही गई कि अब जो SBI के चेयरमैन हैं उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा ऑन थर्सडे कि उनके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब एफिडेविट फाइल करने की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि अगर आगे चल के कोई भी उसमें मिसिंग पाया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए SBI फिर से कोई इन्फॉर्मेशन देना भूल जाता है और एफिडेविट फाइल कर देता है कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अगर बाद में पाया जाता है तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो इसका मतलब ये है
कि हम मान के चल सकते हैं कि SBI सारा आप डिस्क्लोज कर देगा, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी देखिए वो नंबर है जो मैच करता है, वो सब कुछ बता दिया जाएगा, ताकि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड को, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किस के द्वारा दिए गए ये तो पता है, लेकिन किन को दिया गया है ये भी देखिए मैच होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि उस नंबर से पता चलेगा। तो नो डाउट आज फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, हम कह सकते हैं, SBI को फटकार लगाई और कहा कि आपको जो कहा गया है वो आपको करना पड़ेगा, ये बात साफ निकल के आ चुकी है। और जो डिटेल्स है वो एक्सपेक्टेड है कि थर्सडे से पहले या फिर थर्सडे तक हमको पता चल जाएगी, बिकॉज थर्सडे को एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है, और ये जो एफिडेविट फाइल तभी किया जाएगा जब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो सारी डिटेल जो है वो उनकी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। वैसे जब ये हियरिंग चल रही थी तो आप देख सकते हैं SBI के अंदर गिरावट हमको देखने को मिल गई, राइट, लेकिन उस हियरिंग के बाद कह सकते हैं SBI फिर रिकवर कर गया और ओवरऑल आज प्लस में ही बंद हुआ है 732.45 पे, करीबन 55 अंक की तेजी हमको देखने को मिली। अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो SBI 4% टूट चुका है और पिछले 1 महीने में SBI ऑलमोस्ट 4% ही गिरा है। तो SBI के अंदर हमको गिरावट जरूर देखने को मिल रही थी, बट देखिए मटेरियली कोई खास इंपैक्ट इस खबर का SBI पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ देखिए वो कंटेम्प्ट हो जाता तो बात अलग है, बट देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट तो नहीं करेगा, बट द थिंग इज कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब SBI को देनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे, देन अपलोड करेंगे एंड देन एफिडेविट फाइल हो जाएगा। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट, तो लेट्स सी थर्सडे को होता क्या है उस डिटेल्स में और हमको क्या पता चलता है वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट जरूर देखिए काफ़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके द्वारा डिस्क्लोज किया गया डिटेल, जैसे कि आप बजाज ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप ने पिन को फंड दिया, इसकी भी इन्फॉर्मेशन देखिए निकल कर आई है, जिसमें देखिए आम आदमी पार्टी का नाम निकल कर आ रहा है, JDS का नाम निकल कर आ रहा है, राइट। ऐसी पार्टीज़ है जिनके द्वारा डिस्क्लोज भी बता दिया गया है, देखिए इन पार्टीज़ के द्वारा कि किन किन के द्वारा इनको डोनेशन मिला है। तो नो डाउट देखिए वो सब निकल कर आ रही है खबर, बट ज़रूर जो एग्जैक्ट डिटेल्स है, राइट, वो हमको पता चलेगी कब, थर्सडे को, जब बड़ी पार्टीज़ लाइक BJP, TMC, कांग्रेस, इन तीनों पार्टीज़ को मेजरली किसके द्वारा पैसा है वो हमको उस समय पता चल जाएगा। बाकी देखिए TCS के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर काफ़ी बड़ी है, करीबन 4144 पे आज देखिए क्लोजिंग दिया, और आप देख सकते हैं बाजार को कुछ तो पता चल गया था जिसके कारण शेयर में तेज़ी से हमको गिरावट देखने को मिली। देखिए नीचे जरूर एक साइडवेज ट्रेंड कर रहा था, लेकिन तेज़ी से शेयर नीचे चला गया, क्यों, बिकॉज बाजार को कुछ ना कुछ तो आशंका हो गई थी। एंड जो खबर निकल कर आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खबर ये है कि टाटा सन्स 2.34 करोड़ शेयर्स सेल करने वाले हैं TCS के, और ये करीबन 9,000 करोड़ की ब्लॉक डील होने वाली है। जी हाँ, कल ये ब्लॉक डील एग्जीक्यूट की जाएगी और 9,000 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेसिकली बेचे जाएंगे, किनके द्वारा, टाटा सन्स यानी इनके प्रमोटर ग्रुप के द्वारा दोस्तों शेयर्स जो है वो कल बेचे जाने वाले हैं। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है और अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है ये, बट ज़रूर देखिए जो प्राइस बताई गई है वो ये बताई गई है कि 4001 पर जो ये सेलिंग है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं इससे ऑलमोस्ट कंपनी को $1.1 बिलियन मिलेंगे, मतलब सॉरी ब्लॉक डील की वैल्यू रहेगी, कंपनी को नहीं मिलेंगे, टाटा सन्स के पास जाएंगे, बट ओवरऑल करीबन 4001 पर आपको क्लोजिंग देखने को जो एग्जीक्यूशन है वो देखने को मिलेगा। और आज क्लोजिंग आप देख सकते हैं 4100 के ऊपर देखने को मिली है, तो हम कह सकते हैं नीचे ही ये पूरी ब्लॉक डील होगी, ऑलमोस्ट 3.6% नीचे हमको देखने को मिलेगा कि इसकी जो डील है वो एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। तो लेट्स सी क्या होता है कल, बट ये ब्लॉक डील होने वाली है एंड स्पेसिफिकली कंपनी के प्रमोटर ग्रुप आपको अपना हिस्सा जो है वो बेचते हुए नजर आने वाले हैं। बट आज जैसे दोस्तों बाजार जरूर बढ़िया किया, वैसे ही देखिए एक और टाटा ग्रुप का स्टॉक जो आज कह सकते हैं निफ्टी में सबसे बढ़िया किया, टाटा स्टील आज 5% तक दोस्तों तेजी दिखाया, ऑलमोस्ट 148.80 पर आज हमको टाटा स्टील की क्लोजिंग देखने को मिली है। 5% से ज़्यादा टाटा स्टील आज के सेशन में बढ़ता हुआ नजर आया है, किस खबर के कारण, बिकॉज दोस्तों चाइना का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ निकल कर आया वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आया, मतलब चाइना का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है उसके कारण इस प्रकार का हमको आज बढ़िया अपमूव देखने को मिला, और ऑलमोस्ट दोस्तों 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स आज ट्रेड हुए टाटा स्टील में, और बिल्कुल यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हमको वॉल्यूम देखने को मिली और बढ़िया यहाँ पर आज ट्रेड देखने को मिला। स्पेसिफिकली स्टॉक में तेज़ी भी इसी कारण आई, बिकॉज जो चाइना का डेटा था उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहयोग किया टाटा स्टील को आज बढ़ाने में, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो जब इस प्रकार का आएगा तो नो डाउट देखिए जो मेटल स्टॉक्स थे उनमें आज तेज़ी देखने को मिली, टाटा स्टील ने नो डाउट लीड किया पूरे निफ्टी के अंदर। बट जरूर देखिए अडानी इंटरप्राइजेस जिसके अंदर आज गिरावट हमको देखने को मिली साफ साफ, जरूर देखिए रिकवरी आई है एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं है, करीबन 0.71% नीचे ही बंद हुआ है, लेकिन शुरुआत देखिए काफ़ी नीचे हुई, रीज़न सिंपल था, बिकॉज यहाँ पे जो खबर है वो यही है कि US
स्क्रूटिनी कर रही है और यूएस यहाँ पर जांच कर रही है ओवर द केस ऑफ ब्राइबरी, राइट। यहाँ पर ब्राइबरी के चार्जेस जो है वो लगाए गए थे और इसके ऊपर ही जो केस है वो बेसिकली चल रहा है और जांच जो है वो हमको चलती हुई नजर आ रही है। इसलिए आज आप देखेंगे अडानी बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स प्लंज और न्यूज ऑफ यूएस ब्राइबरी प्रूफ। तो नो डाउट देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो निकल कर आई थी और इसके कारण ही हमको गिरावट देखने को मिली। वैसे देखिए खबरें काफ़ी सारी रहती है इसमें, कुछ अच्छी खबरें भी, जैसे कि अडानी ग्रुप ऑलमोस्ट $14 बिलियन का निवेश भी करने वाला है FY25 के अंदर। तो कुछ खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ नेगेटिव खबरें हैं जिनका असर जो है हमको आज साफ साफ देखने को मिला है और ऑलमोस्ट पूरे ग्रुप में आज गिरावट हमको देखने को मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।